नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। नगर परिषद बोधगया चुनाव को लेकर बोधगया में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में विकास के मुद्दों को लेकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में नगर परिषद बोधगया के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार यादव ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। इस बार जनता सीधे तौर पर विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। उन्होंने कहा है कि हम इस बार विकास के मुद्दों पर चुनाव मैदान में आए हैं। जी हां, इस बार जनता भी बदलाव चाहती है। लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास, जो कि पिछले 10 सालों में बिल्कुल नज़र नहीं आया है। इसीलिए लोगों ने अपना पूरा मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव कर बोधगया का विकास करेंगे। इसीलिए जनता के समर्थन से आए हैं कि हम चुनाव मैदान में, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद देकर बोधगया के विकास के लिए आगे भेजेगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में नगर परिषद बोधगया में हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बरसात के दिनों में गांव में यह हाल हो जाता है कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जी हां, आपको बता दें कि बोधगया में अभी भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ गली नाली सड़क नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि इस बार के चुनाव में जनता विकास कर वोट करेगी, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सीट के लिए पार्षदों को खरीद बिक्री किया जाता था, जिससे विकास अवरुद्ध होता था। उन्होंने अपने उपाध्यक्ष पद से दावेदारी पेश करते हुए कहा है कि अगर बोधगया की महान जनता उन्हें उपाध्यक्ष पद पर एक बार मौका देती है तो नगर परिषद बोधगया के सभी वार्डों में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सभी वार्डों में लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। हम नारा ही हैं, जन जन का सम्मान करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज सेवा का काम करेंगे। वहीं उन्होंने महापर्व पर शिवरात्रि को लेकर नगर परिषद बोधगया के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र कुमार यादव, आइए हम सुनते हैं। बोधगया नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं और बोधगया में किस प्रकार विकास करना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर जहाँ गांव में नली गली नहीं है, वहाँ नली गली बनवाना है। ये सब विकास है। और क्या होता है, झोपड़ी है, वहाँ पक्का मकान बनवाना है गरीब गुरबा को। पिछले कई सालों में किस प्रकार का विकास हुआ है? कहीं घूमे, बहुत जगह हम लोग घूमे, गाँव गाँव विकास तो अभी नहीं हुआ पूरा। अगर जनता आपको अपना आशीर्वाद देकर बोधगया नगर परिषद भेजती है तो किस प्रकार आप काम करेंगे? नगर परिषद भेजती है तो पहला तो है कि नल जल जो भी व्यवस्था गरीब गुरबा का है, उसके तन मन धन से लग के मेहनत करके 5 साल जो भी रहेगा हम लोग का, हर घर का में पक्का मकान बनाना, गरीब गुरबा को रोड रास्ता सब नली गली बनवाना है, यही सब तो काम विकास करेंगे हम लोग। तो आपने देखा कि इन्होंने क्या कुछ कहा। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ NBC 24 पर।